हेलो फ्रेंड्स, राखीज कुकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको आज भरवा बैंगन बनाना सिखाने जा रही हूँ। ये मेरी स्पेशल रेसिपी है और मैं अपने तरीके से इसको आपको बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमें जो चाहिए, बैंगन, टमाटर, आलू, कैप्सिकम, ऑनियन, शुगर, बादाम, आमचूर पाउडर, तिल, सौंफ, कोरिएंडर यानी धनिया पत्ती, बेसन या सत्तू, मोटा आटा गेहूं का, गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट, और नॉर्मल मसाले चाहिए और लगेगा तेल। तो हम शुरू करते हैं। इसके लिए पहले हम बैंगन को काट लेंगे। आपके पास अगर छोटे बैंगन हैं तो आप छोटे बैंगन से भरवा बैंगन बनाएंगे, नहीं है तो आप इस तरह के पतले पतले बैंगन को चूज कर सकते हैं, मार्केट में मिल जाएंगे आपको इस तरह से पतले बैंगन। इसको काट के आप इस तरह इसमें चीरा लगाएंगे, इससे पूरा मसाला इसमें आ जाएगा। इस तरह से अब हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। पहले हम 2 टेबलस्पून बादाम लेंगे मिक्सर पॉट में, तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना हम व्हाइट तेल लेंगे और 1 टेबलस्पून जितना सौंफ, इसे हम पीस लेंगे। इस मसाले को हम इस बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जितना बेसन, या आप सत्तू भी डाल सकते हैं, और उसमें 1 टेबलस्पून जितना मोटा गेहूं का आटा। मोटा गेहूं का आटा आपके पास ना हो तो आप उसमें गेहूं के नॉर्मल आटे में आप सूजी मिलाकर ऐड कर सकते हैं। इसे डालने की वजह ये है कि आप बेसन खाली डालते हो तो बेसन बहुत तेल पी लेता है, और आटा डालोगे तो आपका तेल उतना नहीं लगेगा, जबकि सब्जी में तेल दिखेगा ज़्यादा। आमचूर डालेंगे हम तकरीबन 1 टीस्पून जितना, एंड 1 टेबलस्पून शुगर, कोरिएंडर, धनिया पत्ती डालेंगे करीबन 2 टेबलस्पून जितना, धनिया पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून, मिर्ची पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा जिंजर का पेस्ट तकरीबन 1/2 टीस्पून जितना, और 1/2 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून इसमें हम लोग ऑयल ऐड करेंगे। अब मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बैंगन में भर लेंगे। अच्छी तरह से दबाते हुए हम पूरा अंदर तक भरेंगे ताकि खाते समय बैंगन का अंदर से टेस्ट फीका ना लगे। पहले हम कुकर में तेल डालेंगे। इसमें हम डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून जीरा, 1 तेजपत्ता और 1 सूखी लाल मिर्च। उसमें 1/4 टीस्पून जितना हम हींग डालेंगे। अब इसमें हम चॉप किया हुआ ऑनियन डाल देंगे, जो बड़े साइज में मैंने चॉप किया हुआ है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू के मैंने बड़े बड़े पीसेस किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। 1 टीस्पून लहसुन और 1/4 टीस्पून जितना अदरक पेस्ट हम लोग और डालेंगे इसमें ऐड करेंगे। हम इसमें 1 टमाटर चॉप करके डालेंगे। अब हम इसमें अपना बैंगन ऐड कर देंगे। बैंगन को डालने के बाद हम ज़्यादा हिलाएंगे नहीं तो बैंगन टूट जाएंगे। जस्ट हल्के से इसको मिक्स कर लेना है, और उसके साथ हम लोग 1 कटा हुआ कैप्सिकम भी डाल देंगे। इसमें 1/4 कप जितना पानी डाल देंगे। हल्का सा मिक्स कर लिए और कुकर को बंद कर देंगे। अब इसमें हम लोग 1 सीटी आने देंगे।
अभी कुकर ठंडा हो चुका है, इसे हम लोग खोल के सब्जी को सर्व कर लेंगे। इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा धनिया पत्ता छिड़क देंगे। तैयार है आपकी सब्जी खाने के लिए, तो आप इसे पराठा, रोटी या जीरा राइस किसी के भी साथ आप सर्व कर सकते हैं। आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका अपडेट्स बताइएगा। इसी रेसिपीज को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नई रेसिपी का अपडेट्स मिलता रहे।